वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास एट, आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 1 रिवीजन का है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस। नेटवर्क्स एंड कम्युनिकेशंस क्या चीज़ है? जब हम किसी भी नेटवर्क को, नेटवर्क मीन्स कि जब हम दो डिवाइसेस या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करें या इंटरेक्ट करें या कम्युनिकेट करवाएं, उसको बोलते हैं नेटवर्क्स। इसी तरीके से कम्युनिकेशन क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेट से निकाला गया वर्ड, जो कि दो नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करता है। दो नेटवर्क्स को जब कम्युनिकेट किया जाए या दो डिवाइस को जब कम्युनिकेट किया जाए, मिला कनेक्ट किया जाए, इनके मिलाया जाए, तो वो नेटवर्क बनता है। तो कम्युनिकेशन और नेटवर्क आपस में कॉम्बिनेशन, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने MCQs की तरफ। MCQs नंबर 1 है हमारे पास, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स। यानी कि कंप्यूटर जो है नेटवर्क, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर को इंटरेक्ट करके या इंटरकनेक्ट करके बनाया जाता है। सेकेंड MCQ से, द डाटा इज ट्रांसफर फ्रॉम वन डिवाइस, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू। डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह किसके थ्रू? ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू। उसके बाद है हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कम्युनिकेशन डिवाइस, इनमें से कम्युनिकेशन डिवाइस कौन सी है? मॉडम। मॉडम हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइस है, यानी कि मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है ये डाटा को, डाटा को एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है हमारे पास फोर्थ MCQs, द डिवाइस विच इज़ यूज टू सेंड मैसेजेस, डाटा इन्फॉर्मेशन। कौन सी डिवाइस है जो डाटा को सेंड भी करती है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करती है और मैसेजेस को सेंड करती है? वो आपके पास होती है सेंडिंग डिवाइस। उसके बाद है हमारे पास वो कौन सा नेटवर्क है जो रिलेटिवली स्मॉल एरिया पे कनेक्ट होता है, यानी कि स्मॉल एरिया उसमें कवर होता है? लैन। उसके बाद है इन वैन, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वैन के अंदर डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। पावरफुल जो हमारे पास कंप्यूटर है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर, जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है, डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के साथ डाटा को इन भी करता है और आउट भी करवाता है, उसको क्या बोलते हैं? उस कंप्यूटर को बोलते हैं सर्वर। उसके बाद है डैश इज़ एन एक्सपेंशन कार्ड डैट इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए कौन सा एक्सपेंशन कार्ड यूज़ किया जाता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उसके बाद डैश इज़ अ टाइप ऑफ वायर, वो कौन सी टाइप ऑफ वायर है? डैट कंसिस्ट ऑफ सेंटर वायर, जो कि सेंटर वायर इसमें अटैच होती है, इंसुलेटर पाया जाता है और शील्डेड होती है। और ब्रेड वायर है, ब्रेडेड वायर है वो है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल है वो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया, फास्टेस्ट ट्रांसमिशन मीडिया कौन सी डिवाइस में होता है, कौन सी डिवाइस से डाटा जो है फास्ट ट्रांसफर होता है? वो होता है फाइबर ऑप्टिक्स। उसके बाद आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सर्वर। सर्वर क्या है? सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर डैट फैसिलिटेट द होल कंप्यूटर बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। सर्वर ये काम करता है कि डाटा को इन और आउट करवाता है, एक मेन हब कंप्यूटर होता है। आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक स्कूल में प्रिंसिपल है तो टीचर्स उसके साथ कनेक्टेड है, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि आपकी जो हर जो डाटा है वो इस तरीके से पहले एक प्रिंसिपल तक जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, तो स्टूडेंट जो है वो पहले टीचर को डाटा देगा और देन वो प्रिंसिपल तक पहुंचाएगा। ये सारा आपस में कनेक्शन है। तो सर्वर भी इसी तरीके से काम करता है। सर्वर आपके पास मेन कंप्यूटर होता है जो कि बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है और आपके डाटा को इन और आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्लाइंट है। क्लाइंट क्या होते हैं? उसके मेन कंप्यूटर के जो छोटे पार्ट्स होते हैं, यानी कि उसको दूसरी डिवाइसेस कह सकते हैं, यानी कि हमारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आ जाते हैं। इसमें लेस पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और ये सर्वर्स के साथ कनेक्ट होते हैं। जो डाटा जहाँ से इन किया जाता है, यानी कि जहाँ पे हमने पहुँचाना होता है, तो जिस कंप्यूटर से सेंड किया जाता है, जो सेंडिंग डिवाइस से सेंड किया जाता है या जिस रिसीविंग डिवाइस में रिसीव किया जाता है, उसको बोलते हैं क्लाइंट्स। उसके बाद नेटवर्क के हमारे पास 3 टाइप्स हैं, लैन, मैन एंड वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लैन क्या? लैन स्मॉल एरिया पे कनेक्ट होता है, यानी कि स्मॉल एरिया को कवर करता है, रिलेटिवली स्मॉल एरिया। मैन क्या करता है? मैन लैन से ज़्यादा डिस्टेंस को कवर करता है। लैन में आपके पास विद इन अ बिल्डिंग आ जाता है, विद इन अ स्कूल आ जाता है, एक बिल्डिंग या एक से ज़्यादा दो बिल्डिंग्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक स्कूल या दो से तीन स्कूल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एरिया बहुत स्मॉल होता है। मैन जो है आपके पास, मैन ये होता है कि आपके पास सिटी में आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आ जाता है, मेट्रोपॉलिटन रीजन आता है इसमें। उसके बाद आपके पास NIC, NIC क्या चीज़ होती है? NIC आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि डाटा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स। ट्रांसमिशन मीडिया की टाइप्स हमारी कौन सी है? गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, यानी कि वायरलेस और वायर्स के थ्रू। नेटवर्क, नेटवर्क क्या होता है? जब टू और मोर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, जब टू और मोर कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाएगा तो उसको बोलते हैं नेटवर्क, और जब डिफरेंट डिवाइसेस को भी कनेक्ट किया जाएगा तो भी वो नेटवर्क ही कहलाएगा। उसके बाद है 9 वाला क्वेश्चन हमारे पास, सेंडिंग डिवाइस। सेंडिंग डिवाइस क्या है? सेंडिंग डिवाइस आपके पास होती है डाटा को सेंड करना या इन्फॉर्मेशन को सेंड करना फ्रॉम एक कंप्यूटर टू वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सेंड करना डिवाइसेस को, डाटा को, और रिसीव करना, ये आपके सेंडिंग डिवाइस में आ जाता है। उसके बाद है कम्युनिकेशन मीडिया। कम्युनिकेशन मीडिया क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ किया जाता है दो कंप्यूटर या दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेशन मीडिया में कंप्यूटर और डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मॉडम और कंप्यूटर। कम्युनिकेशन डिवाइस हमारे पास मॉडम है, और मॉडम कनेक्ट होता है कंप्यूटर के साथ डिफरेंट डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, डिजिटल में या एनालॉग में। तो ये आपके पास आ जाता है मॉडम में, मॉडम आपके पास कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो ये डाटा को और कम्युनिकेशन डिवाइस कंप्यूटर को डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपके लिए पेपर्स को सॉल्व करना आसान हो। पेपर्स आप लोगों के जो होंगे वो 50 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 25 MCQs होंगे, पर MCQs आपके 2 मार्क्स के होंगे। तो बहुत ध्यान से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर्स भी करेंगे, ताकि आपके लिए जो है सॉल्व करने में, आपके जो क्विज़ हैं वो सॉल्व करने में आसानी हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।